everyone. Today we will discuss about Mother, written by Keki and Daruwala. ये एक इंडियन पोम है, तो आइए शुरू करते हैं. इसमें जो पोएट है ना, वो अपनी मदर के लिए बोल रहे हैं. इसमें पोएट कह रहे हैं अपनी मदर को कि आपकी जो स्पाइन है ना, वो बहुत ज़्यादा क्रैक हो रही है. स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी, वो बहुत ज़्यादा क्रैक हो रही है. अब क्रैक मीन्स वो टूटने वाला क्रैक नहीं, मतलब वो झुकने वाला. और आपका जो स्पाइन है ना, वो ऐसे क्रैक हो रहा है जैसे वो रेनबो होता है ना जो आसमान में निकलता है, उसकी तरह आपका जो रीढ़ की हड्डी है वो झुकती चली जा रही है. जैसे हम लोग देखते हैं ना, जब इंसान यंग रहता है तो उसका रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट रहता है, और जब वो धीरे धीरे ओल्ड होता चला जाता है तो उनकी स्पाइन जो होती है वो झुकने लगती है. तो पोएट अपनी मदर को ये कह रहे हैं कि आपका जो रीढ़ की हड्डी है वो रेनबो की तरह ऐसे पूरा झुक गई है, क्योंकि वो ओल्ड हो चुकी हैं इसलिए. और पोएट बोल रहे हैं कि आपकी बॉडी में ना बहुत सारे, आपके स्किन में, आपकी बॉडी के स्किन में बहुत सारे क्रीजेस आ रहे हैं, मतलब आ चुके हैं. क्रीजेस मीन्स होता है कि सुकड़ना. ओके, मतलब आपका जो बॉडी है ना, बॉडी का स्किन है, वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सुकड़ रहा है, सुकड़ चुका है. यहाँ पोएट अपनी मदर को मम्मी रैप से कंपेयर कर रहे हैं. आप सभी ने दी मम्मी तो देखा ही होगा, दी मम्मी रिटर्न्स एंड दी मम्मी, उसमें जो आपने देखा होगा कि मम्मी लोगों को कैसे रैप किया जाता था, बॉक्स के अंदर रखा जाता था, और वो धीरे 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 क्या हो जाता था, सुकड़ने लगता था. इसलिए पोएट अपनी मदर को मम्मी रैप से कंपेयर कर रहे हैं कि आपका जो बॉडी का स्किन है ना, वो बहुत ज़्यादा सुकड़ चुका है. और वो बोल रहे हैं कि अब आपकी आँखों में वो पहले वाला प्यार नहीं दिखता. जैसे कि जब हम लोग छोटे होते थे तो आप हम लोग को गले लगाकर इतना प्यार करते थे, हम लोग की केयर करते थे. अब जब आप बूढ़े हो गए हो, बूढ़े हो गए हो, ओल्ड एज हो गई आपकी, तो आपकी आईज में ना वो फायर नहीं दिखता, वो प्यार नहीं दिखता. और पोएट कह रही हैं कि आपके जो दो बेटे हैं, उनकी जो मेमोरीज है ना, आपको वो भी समझ में नहीं आती. मतलब आप उसमें ना परेशान होते रहते हो, आपको समझ में नहीं आता कि कौन से बेटे ने कब बिस्तर को गीला कर दिया था. तो आप इसमें बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, क्योंकि आपकी ओल्ड एज हो चुकी है, इसलिए आपको थोड़ा याद करने में परेशानी होती है कि मेरा वो कौन सा बेटा था जो बिस्तर गीला कर देता था बचपन में, और जो हरदम मेरे साथ रहता था, मेरे साथ सोता था. आप सोचने में लड़खड़ा जाते हैं. पोएट बोल रहे हैं कि जब मेरे बच्चे आपके बारे में पूछते हैं कि आपका चाइल्डहुड कैसा था, मतलब आपका चाइल्डहुड की स्माइल कैसी थी, तो मैं उनको बताता हूं कि मेरी जो मदर थी, उनके चाइल्डहुड की स्माइल ही कुछ अलग थी. बट अब जब मैं अपनी मदर की स्माइल देखता हूं, तो दूर से मुझे पता चल जाता है कि मेरी मदर स्माइल करके बहुत ढेर सारी चीज़ें सोचने लगती है, मतलब उनके दिमाग में वो सब चलने लगता है जब वो स्माइल करती हैं. और वो बोलते हैं कि अपनी मदर को बोलते हैं कि 6 मंथ में एक बार आप हम लोगों को गले लगाते हो, उसी प्यार को दिखाने के लिए जो कि आप हमसे बचपन में करते थे, उस प्यार को याद दिलाने के लिए. बट इस वक्त ये जो हम लोग का ओल्ड प्यार था, मेमोरीज थी, वो सब अब रिटन में हो गया है, और वो सब अब आपके हाथों में आ गया है, आपके हाथों में वो सब आ चुका है. पोएट बोलते हैं अपनी मदर को कि माँ, मैं आप में कुछ देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर किसी चीज़ की कमी रहती है, आप परेशान रहते हो, किसी चीज़ की कमी रहती है, आपको किसी चीज़ की कमी सताने लगती है. फिर वो बोलते हैं कि मैं ये कमी तब से देखता आ रहा हूँ जब आपने अपने हाथों के बैंगल्स को तोड़ा था और अपने फोरहेड से सिंदूर को हटा दिया था, मिटा दिया था, क्योंकि हम लोग के फादर की डेथ हो चुकी थी, इसलिए आपने अपने बैंगल्स तोड़ दिए थे, अपने फोरहेड से सिंदूर को मिटा दिया था. मैं देखता हूँ कि आपके अंदर उन्हीं की कमी लगती है, मैं महसूस कर सकता हूँ, और वो चीज़ की कमी मुझे आज भी दिखाई देती है. तो यहीं पे हम लोग की पोम ख़त्म होती है. आई होप आपको पसंद आई होगी. अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.